एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस केस की जांच सीबीआई ही करेगी। आपको बता दें कि सुशांत की गर्लफ्रेंड और आरोपी रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दी थी और इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने जांच के अधिकार सीबीआई को दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सुशांत केस में 11 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था। सुनवाई कर रहे जस्टिस ऋषिकेश राय ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त लिखित नोट 13 अगस्त तक जमा करवाने की अनुमति दी थी। सभी पक्षों ने 13 अगस्त को अपना जवाब दाखिल कर दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि सुशांत सिंह आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दे दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस केस की जांच सीबीआई ही करेगी। बता दें कि सुशांत की गर्लफ्रेंड और आरोपी रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दी थी और इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने केस की जांच के अधिकार सीबीआई को दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे केस में 11 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई कर रहे जस्टिस ऋषिकेश राय ने अपनी सभी दलीलों को अपने पक्षों को संक्षिप्त लिखित नोट 13 अगस्त तक जमा करवाने की अनुमति दे दी थी। तो एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में। आपको बता दें कि सीबीआई को जांच करने की अनुमति दे दी गई है। तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को सख्त निर्देश दिया गया है कि वो बिहार सरकार का, बिहार पुलिस का सहयोग करे इस पूरे जांच में। सीबीआई संतोष जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है और कह सकते हैं कि बिहार सरकार और न्याय की जीत हुई है। हेलो जी संतोष जी, बताएं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, बिहार सरकार की और न्याय की जीत हुई है। वाकई में देखिए, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि जांच उनकी सीबीआई होगी। लेकिन इसके अलावा जो कुछ बातें ऐसी हैं, फैसले की वजह प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले समय में, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि तो अब आने वाले समय में ये होगा कि घटना स्थल महत्वपूर्ण नहीं है जी। आप कहीं भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं जी। जो तकनीकी पहलू है, उस पहलू पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, ओपिनियन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच स्वागत योग्य कदम है। इससे ये चीजें सामने आ जाएंगी कि मामला क्या है जी। सीबीआई साबित करेगी कि ये हत्या है या फिर क्या कहते हैं, आत्महत्या है जी। क्योंकि बिहार में भी तो केस हुआ है, उस केस में भी एक्सटॉर्शन की बात कही गई है, हत्या की बात नहीं है, एक्सटॉर्शन की बात कही गई है। और एक्सटॉर्शन की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। ये बिहार में भी जो मामला दर्ज, उनके पिता के बयान पर जो मामला दर्ज हुआ था। लेकिन इन सबसे इतर तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा भारतीय जुडिशियरी सिस्टम में, नहीं भारतीय जो सीआरपीसी और आईपीसी है उसके तहत क्या प्रभाव पड़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है जी। और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑब्जर्वेशन दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये समझने वाली बात होगी। क्योंकि तो अगर कहीं एफआईआर दर्ज होने की बात शुरू हो जाती है, तब तो आने वाले समय में एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाएगी पूरे देश के सामने जी। आप क्या कर सकते हैं, ये बड़ा एक सवाल है।
ये चीज कहाँ एफआईआर दर्ज होगा जी, कहाँ एफआईआर जांच कहाँ होगी, ये कई ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। ये अब इसको देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या उनका ऑब्जर्वेशन रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल जो जजमेंट आया है उस जजमेंट को लेकर जो पिछले दो महीने से जो अलग अलग तरह की चीजें सामने आ रही थी, बयानबाजी हो रहा था, राजनीति हो रही थी, उस पर जरूर विराम लगेगा और सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। सीबीआई का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इस तरह के मामले में एक से एक मामला है जिस मामले को सुलझाने में सीबीआई की क्या भूमिका रही है वो भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन चलिए इस सुप्रीम कोर्ट की आदेश से इसके दो महीने से जो लगातार पब्लिक डोमेन में जो चीजें चल रही थी सोशल मीडिया में या मीडिया में जो लगातार फोकस हो रहा था वो अब उस फोकस से बाहर निकलने की कोशिश होगी पूरे समाज को। अब देखिए सीबीआई अब इस मामले को कैसे अनुसंधान करती है, क्योंकि फिलहाल जो केस दर्ज है बिहार में इस मामले के सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन हुई है उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण है और अब देखना यह कि आने वाले समय में क्या स्थिति होती है। संतोष जी, इस फैसले से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को कितना बड़ा झटका लगा होगा? देखिए ये इस तरह के फैसले से महाराष्ट्र पुलिस को जितना बड़ा भी झटका लगा हो, सरकार की जितना बदनामी हो, लेकिन सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने चाहिए जी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और उसमें अगर महाराष्ट्र पुलिस रुकावट डाल रही थी या फिर महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी जी, तो फिर सीबीआई चीजों को एक्सपोज करेगी, क्योंकि देखिए अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो जांच हुई है उस जांच में कहीं भी ये चीजें सामने नहीं आई है कि उसकी हत्या हुई है। जब तक ये चीजें सामने नहीं आ जाती हैं जांच के अनुसंधान में तब तक अभी महाराष्ट्र पुलिस या महाराष्ट्र सरकार पर ये आरोप लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है इस फैसले से सुशांत सिंह के परिवार को एक संबल मिलेगा कि वो सामने आए और उनको एक न्याय मिलेगा, ये उम्मीद की जा सकती है जी। बिल्कुल, इस फैसले से अब पता चलेगा कि सुशांत सिंह की मौत का जो राज है वो सीबीआई खोलने में कामयाब हो सकेगी और कहीं ना कहीं इसी फैसले की वजह से आज जो लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। संतोष जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के नेताओं की प्रतिक्रिया को आइए देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच कराए जाने की मंजूरी को हम ये कह सकते हैं कि न्याय की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के एफआईआर को भी सही ठहराया और मुंबई पुलिस को इस फैसले का सम्मान करने का निर्देश भी दिया। पुलिस के एफआईआर को सही ठहराया है। अब इसके बाद स्पष्ट है कि सुशांत मामले की जांच सीबीआई से होगी। सुशांत के करोड़ों प्रशंसक जो दुनिया भर में हैं, उनको इस बड़ी मुहिम के लिए हम सभी साधुवाद देते हैं। अब सुशांत के न्याय के लिए एक उम्मीद जगी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, बॉलीवुड के माफिया बेबी बाबा ब्रिगेड और उनके जितने स्टूज और पपेट्स हैं उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है वो सच्चाई सामने आएगी और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जो जांच है वो सीबीआई को करने का निर्देश दे दिया गया है और उस पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का भी बयान आया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उन्हें इस फैसले से बेहद खुशी हुई है, न्याय की जीत हुई है। गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए कहा है कि न्याय की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आश्वस्त किया है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने। और अधिक जानकारी के लिए हम आगे बढ़ेंगे, हमारे एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमा सिंह। शमा जी, जिस तरीके से सुशांत सिंह आत्महत्या मामले की गुत्थी उलझते जा रही है, सीबीआई की जांच के बाद ये सुलझ सकती है? ये तो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से सीबीआई इसको आगे बढ़ाती है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए ये कहना भी बहुत जल्दी होगा कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से ये मामला सुलझ सकता है जी। क्योंकि हम लोगों ने पास में, क्योंकि आप ही की न्यूज चैनल ने बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई थी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के केस में जी, जिसमें कि आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन गई थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने देखा था कि कोई खास उस पर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था कि जितना हम लोगों ने उसमें एक सोचा था। हाँ, हम लोगों को सबको आशा है कि हाँ, क्योंकि इसमें दो सरकारें एक तरह से आपस में, दो स्टेट की सरकारें आपस में उलझ गई थी और दो पुलिस आपस में एक दूसरे में मिल के काम नहीं करना चाह रही थी, ऐसी सिचुएशन में ऐसी सीबीआई के आ जाने से इसमें एक अच्छा मोड़ आए और वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो पाए, क्योंकि अब जो है वो एक दोनों सरकारें और दोनों पुलिस आपस में भिड़ नहीं पाएंगी। दोनों ने जो भी मटीरियल अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठा किया है वो एक जगह चला जाएगा और शायद सीबीआई को एक रास्ता खोजने में कि क्या कारण थे उसके, उनकी मौत के, वो पता आसानी हो पाए। शमा जी, जिस तरीके से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की जो बात चल रही थी तो मुंबई पुलिस लगातार असहयोग कर रही थी, दस्तावेज भी नहीं देने की खबरें आ रही थी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यही एक कारण था कि शायद ये जो है इतना बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी इस तरीके की हो गई। अगर मुंबई पुलिस पहले से, जबकि जब उनके पास एक, उन्होंने एक अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया था और इंक्वायरी शुरू की थी, अगर उसी समय पे और जब एक तरह से खबरों में आना शुरू हो गया था कुछ स्टार्स जैसे कि कंगना रनौत ने आकर ये भी कहा था कि हाँ ये जो है नेपोटिज्म की वजह से मौत हुई है, तो जब ये कारण नजर आना शुरू हो गया था कि इनका अगर सुसाइड भी है तो वो किसी के बहकावे में या उकसाने पर ये उन्होंने सुसाइड किया है, तब पुलिस, मुंबई पुलिस को तुरंत वहां पर उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर देना चाहिए था। अगर एफआईआर में मुंबई पुलिस इसको कन्वर्ट कर देती पहले ही दिन इंक्वायरी को, तो आज ये जो कॉन्ट्रोवर्सी और ये सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा ये आज नहीं हो पाता। और उसको उसी पे, और ये जो सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो वही उसी इंक्वायरी और उसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाती और उसी पर एक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती, क्योंकि मुंबई पुलिस का जो कंडक्ट है इस केस में वो ऐसा ढुलमुल रवैया था जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी हुई और उसकी वजह से आज ये हम लोग देख रहे हैं जी। बिल्कुल शमा जी, जिस तरीके से नई नई खबरें सामने आ रही हैं सुशांत सिंह की मौत के बाद, वो भी काफी चौंकाने वाली खबरें हैं, जो नई नई जिस तरीके से गुत्थी कह सकते हैं कि मौत की ओर उलझती जा रही थी और इस वजह से सीबीआई को इस जांच का जिम्मा सौंपा गया जी। इसमें उससे भी ज्यादा जरूरी था कि जिस तरीके से दोनों सरकारें, दो पुलिस जो थी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही थी, एक डायरेक्शन काम कर रही थी जो नेपोटिज्म का, वो भी जो सोशल मीडिया में आना शुरू हुआ उसकी वजह से, या कुछ स्टार्स ने उस पर जब स्टेटमेंट देना शुरू किया तो एक नेपोटिज्म के एंगल पे एक जो पुलिस थी वो इंक्वायरी कर रही थी, और दूसरी पुलिस तरफ से एक नया स्टेक जब 40 दिन बाद या जैसे भी वो धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ और शांत के पिताजी और उनके परिवार ने कहना शुरू किया कि इस मौत में एक दूसरा एंगल भी हो सकता है, तो एक दूसरी स्टेट की पुलिस जो है वो दूसरे एंगल पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। दोनों में से किसी ने भी एक आपस में कॉपरेट करके एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का कोई कंडक्ट करने का किसी का पर्पस नहीं लग रहा था, दोनों अपनी ईगो में लगता था उलझ रही है। अब सीबीआई के आने से और सुप्रीम कोर्ट का ये कहने से कि दोनों जो पुलिस है वो अपना एक दूसरे जो भी मटेरियल कलेक्ट की है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में वो सीबीआई को सौंप देंगी, तो लगता है कि अब जो है
चाहे एक कारण हो चाहे दूसरा कारण हो चाहे तीसरा कारण हो, एक प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन होकर उसके कारण लोगों को जो है जरूर सामने आएगा। बिल्कुल शर्मा जी, जिस तरीके से अलग अलग एंगल दिया जा रहा है सुशांत की मौत को, अब ये तो सीबीआई के जांच के बाद ही फैसला हो सकेगा कि असल एंगल क्या है इस मौत के कारण की, असल वजह क्या है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया शर्मा जी। तो बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस केस की जांच सीबीआई ही करेगी, सीबीआई को इस केस का जिम्मा सौंप दिया गया है। बता दें कि सुशांत की गर्लफ्रेंड और आरोपी रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दी थी। इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने केस की जांच के अधिकार सीबीआई को दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सुशांत केस में 11 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई कर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने अपने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त लिखित नोट 13 अगस्त तक जमा करवाने की अनुमति दी थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जो कि काफी दिनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी जो उलझते जा रही थी, कहीं ना कहीं अब सीबीआई इस मौत की गुत्थी को सुलझा सकेगी और इसकी उम्मीद लोग कर रहे हैं। और इस वजह से आज पूरे देश में इस न्याय को लेकर, इस फैसले को लेकर लोग काफी खुश हैं। ये न्याय की जीत है, ये बिहार सरकार की जीत है, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सभी काफी खुश दिख रहे हैं।